हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस टाइप का वीडियो आप अपने मोबाइल से किस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस वीडियो में कंप्लीट बने रहे, सो बिना टाइम गवाए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है bit.ly, और ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर जो बहुत सारा टेम्पलेट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा, तो सिंपली दोस्तों इसे जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो है फ्री है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐड आएगा तो ऐड को आप लोगों को कट कर देना है। ऐड को अगर कट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों सिंपली आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं जो ये वाला टेम्पलेट लेने वाला हूँ, तो इसके लिए अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेक वीडियो है इसे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और फ्री वाले में जो है क्लिक कर देना है। फ्री वाले में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऐड आ जाएगा, इस ऐड को आप लोगों को कम्प्लीट देखना है, और ऊपर में जो कट का ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों को कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो मन है फ़ोटो सिलेक्ट करना आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो यहाँ से कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि आप लोग इसे किस तरीके से मतलब वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फ़ोटोज़, और दो तीन फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ अच्छा दिखने के लिए, जैसे कि ये वाला फ़ोटो। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारा फ़ोटो मतलब यहाँ पर 6 फ़ोटो ले लिया है। 6 फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जितना मर्ज़ी उतना ले सकते हैं, तो टोटली 9 लेने से अच्छा होगा, तो मैं 9 फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। दोस्तों आप लोग को जो फ़ोटो अच्छा लगता है वो फ़ोटो ले सकते हैं, तो मेरे जो ये फ़ोटो अच्छा लगा है तो मैं ये ले चुका हूँ। लेने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखेगा ओके का बटन, तो सिंपली आप लोगों को ओके के बटन में क्लिक कर देना है। ओके के बटन में क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आ चुका है। और अगर आप लोगों को इस ये वाला जो वाटर मार्क है इसे मतलब कट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पैसा पे करना होगा, तो इसे आप लोग नो रिमूव कर दीजिए। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर रहने दीजिए, रहने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, तो सिंपली दोस्तों इसे आप लोगों को गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर वीडियो जो सेव हो रहा है, तो इसे हम लोग सेव होने के लिए देते हैं। तो दोस्तों ये सेव कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो सिंपली दोस्तों मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में चले जाता हूँ। काइनमास्टर एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों इस यहाँ पर आप लोगों को जो है प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, और आप आपके हिसाब से जो है वीडियो का जो रेशियो है सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं 1.1 रहने देता हूँ। तो आने के बाद दोस्तों ये डायरेक्टली जो है आप लोगों को मीडिया में लेकर जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आपने जो एक्सपोर्ट किया था वीडियो, तो दोस्तों वो वीडियो जो यहाँ पर ओपन कर लेना है, तो मैं इसे जो ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने जो यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है इस वीडियो में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप लोगों को 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से जो है आप लोगों को डुप्लीकेट और एक बना मतलब और एक बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट लेयर और एक बना लेना है। तो दोस्तों मैंने जो है डुप्लीकेट लेयर बना चुका हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो नीचे वाला है इसे आप लोगों को फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, नीचे चले जाइए, यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टमेंट का दिखेगा, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट से कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर को थोड़ा सा जो ब्राइट कर दीजिए, तो मैं यहाँ से कलर थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ, तो आप लोग भी कर दीजिए, आप लोगों को जितना मतलब चाहिए आपके हिसाब से यहाँ से कलर ब्राइट मतलब कम या ज़्यादा करना होगा। ठीक है तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। दोस्तों ये मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कम ही रहने देता हूँ, ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा करने से भी नहीं होता है। दोस्तों इसे मैं ठीक इस तरीके से रहने के लिए देता हूँ। ठीक है,
तो आप आपके हिसाब से जो है एडजस्टमेंट कर लीजिए। एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग को जो है आप लोगों को ऑफ कर देना है, ठीक है। इस वीडियो में जो भी सॉन्ग है इसे आप लोगों को ऑफ कर देना है, और आपका जो भी सॉन्ग पसंद है आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से NCS का एक म्यूजिक लगा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये वाला म्यूज़िक मैं लगा दिया, और लगाने के बाद दोस्तों आपको जितना वीडियो है उतना तक रहने के बाद आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना है, लास्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक ये जो लेयर है, ये लेयर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जो भी लेयर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो लेयर यहाँ पर कैसे लेंगे, तो मीडिया में क्लिक कर देना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यह पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों इसे आप लोगों को फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद क्या करना है, नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। ब्लेंडिंग के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रीन कर देना है। तो दोस्तों अभी जो है जितना तक मतलब आपको ये टेम्पलेट चाहिए आप उतना देर तक रहने दीजिए, और फिर से जो ट्रिम कर दीजिए। अभी जो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो किस तरीके से हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो कैसा बन चुका है। तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब वीडियो बना सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।